मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर दांव लगाया है, जिसके बाद से ही उनके बेटे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 से विधायक है। अभी तक उस सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ऐसे में कई तरह की अटकलें हैं। चर्चा तो ये भी है कि पिता को टिकट मिलने की वजह से बेटे का टिकट काट दिया जाएगा, जिसके बाद मामले में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उनके विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वविवेक से पत्र लिखा है। उनसे अनुरोध किया है कि इस बार आकाश को टिकट दिए जाने पर विचार नहीं किया जाए। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 सीट से पहले ही बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में खबरें हैं कि इंदौर 3 सीट की विधानसभा में नुमाइंदगी करने वाले उनके 39 साल के बेटे का चुनावी टिकट इस बार कट सकता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री परिवारवाद के खिलाफ है। जैसे ही मुझे बीजेपी ने चुनावी टिकट दिया तो आकाश ने जेपी नड्डा को पत्र लिख दिया। चूंकि मुझे टिकट दिया गया है तो उनके बेटे आकाश के टिकट पर विचार नहीं किया जाए। विजयवर्गीय का कहना था कि ये तो उनके आकाश के हृदय की विशालता है। आकाश ने मुझसे पूछे बगैर स्वविवेक से पत्र लिखा। मैं आकाश के इस कदम की तारीफ करूंगा। वही चुनाव में सीएम शिवराज को दरकिनार करने के सवाल पर विजयवर्गीय का कहना था कि शिवराज से मेरी पुरानी मित्रता है, पर मध्य प्रदेश समेत विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रणनीति तय की गई है कि हम बीजेपी संगठन के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इस रणनीति पर सवाल खड़ा करने का कोई कारण नहीं बनता। गौरतलब है कि एमपी में 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।